दोस्तों, पृथ्वी सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और पृथ्वी से थोड़ा आगे जाकर एक ग्रह मौजूद है जिस पर इंसान भविष्य में जीवन बसाने की सोच रहा है, क्योंकि एक तो यह पृथ्वी के नजदीक है जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है और हिस्ट्री में मंगल ग्रह पानी से भरा हुआ था। हो सकता है उस समय मंगल ग्रह पर इतना पानी था तो जीवन भी उस समय रहा होगा, और कई साइंटिस्ट मानते हैं कि आज भी मंगल ग्रह पर इंसानों के सर्वाइव करने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। मंगल की दूसरी तरफ ये भी कड़वी सच्चाई है कि मंगल आज बंजर अवस्था में पड़ा है। हो सकता है रिसोर्सेज जरूर हों, लेकिन आज मंगल ग्रह पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारे सौरमंडल के नजदीक मंगल ग्रह को छोड़कर दूसरा कौन सा ऑप्शन है जिस पर वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा नजर है? तो दोस्तों, हमारे सौरमंडल से 4 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ग्रह है। इस ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों का दावा है कि इस पर बिल्कुल पृथ्वी के जैसा वातावरण मौजूद है, यहां तक कि वह सभी चीजें मौजूद हैं जो इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए। यह ग्रह इस तारे के गोल्डिलॉक्स जोन में आता है। आज के इस वीडियो में हम हमारे सौरमंडल से 4 प्रकाश वर्ष दूर जाने वाले हैं और उस ग्रह पर क्या हलचल हो रही है ये देखने वाले हैं। क्या वाकई हम उस ग्रह पर जाकर अपनी बस्तियां बसा सकते हैं, और हमें वहां पर क्या क्या परेशानी आने वाली है, और हम इतना दूर उस ग्रह के पास कैसे पहुंचेंगे? आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड से जुड़े वीडियोस के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पृथ्वी जैसे ग्रहों की बात आती है तो वैज्ञानिकों के दिमाग में सीधा पृथ्वी से 4.23 प्रकाश वर्ष दूर प्रोक्सिमा सेंटुरी बी का ग्रह याद आता है। हालांकि यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि उस ग्रह के पास आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन अगर ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो यह 4 प्रकाश वर्ष दूरी बहुत ही कम आंकी जाती है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए, यह तो हमारे पड़ोसी ग्रह है। यानी अगर हम प्रकाश की गति से अपने अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में चलाना शुरू कर दें तो हमें वहां पहुंचने में मात्र 4 साल लगेंगे। लेकिन इतना आपने जान ही लिया तो यह भी जान लीजिए कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। लाइट दरअसल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी को तय करती है, और है दोस्तों कई मानों में ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। वहां के हालात के बारे में बताएं, उससे पहले आप ये जान लीजिए आखिर इस ग्रह को वैज्ञानिकों ने खोजा कैसे था। दोस्तों, इस ग्रह को 24 अगस्त 2016 को पहली बार डिटेक्ट किया गया था, और इस खोज में वैज्ञानिकों को पता चला कि यह ग्रह कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है। साइंटिस्ट यह अंदाजा लगा चुके थे कि प्लैनेट को लेकर कुछ तो ऐसा खास है जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस ग्रह के पास सबसे जो एडवांस पॉइंट वैज्ञानिकों को नजर आ रहा था वह था इस ग्रह पर पानी का मौजूद होना, जो किसी भी ग्रह पर आधी से ज्यादा समस्या तो वैसे ही खत्म कर देता है, क्योंकि अगर पानी नहीं होता तो जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर केवल पानी होने से हम यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। किसी भी ग्रह पर जीवन होने के चांस कितने हैं यह उसके होस्ट स्टार के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोक्सिमा बी ग्रह का तारा हमारे सूरज का केवल 40% ही आकार में है, यानी यह हमारे सूरज की साइज से बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब साइज छोटा होने की वजह से जो इसके अंदर से एनर्जी और प्रकाश उस ग्रह तक पहुंचता है वह बहुत ही ज्यादा कम होती है। लेकिन इस ग्रह के पास एक जो एडवांसमेंट है वो ये कि यह हमारी पृथ्वी से साइज में थोड़ा बड़ा है। साथ ही यह हैबिटेबल जोन के अंदर रहकर इसके तारे का चक्कर लगा रहा है। हैबिटेबल जोन से मतलब साफ है उस ग्रह पर हालात जीवन के पनपने लायक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मांड के नजरिए से तो यह ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक अंदाज के लिए आपको बताऊं, अगर कोई स्पेसक्राफ्ट जो 1 घंटे के अंदर 40,000 किलोमीटर दूरी तय करता है और उसके जरिए हम इस ग्रह पर जाने की कोशिश करते हैं तो हमें वहां पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएंगे। तो वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि उस ग्रह तक जल्दी कैसे पहुंचा जाए। यहां तक कि पार्कर सोलर प्रोब बहुत तेजी से अंतरिक्ष में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन उसे भी वहां पहुंचने में 7 से 8 हजार साल आराम से लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोक्सिमा बी ग्रह के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। उसके पास जो तारा है वह एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और अपने अंदर से आए दिन खतरनाक एक्सरे छोड़ते रहते हैं। यह सीधी भाषा में कहूं तो तारा कभी भी अपने अंदर से बहुत ज्यादा आग को बाहर फेंक सकता है, कोई भरोसा नहीं। हालांकि ऐसा हमारा सूरज भी करता है। लेकिन यदि सूरज के कंपैरिजन में प्रोक्सिमा बी ग्रह को देखा जाए
तो इस पर हमारे सूरज से 500 गुना ज्यादा खतरनाक किरण पड़ती है। लेकिन 2017 में खबर आई थी कि अचानक प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारे से निकलने वाली खतरनाक किरणें अचानक बढ़ गई थी, और अचानक इतनी विकिरण अगर किसी ग्रह पर हमला कर दें तो उसके पास वायुमंडल तो क्या ही बचता है। उदाहरण के लिए अगर इस तरह हमारा सूरज करने लग जाए तो हमारी पृथ्वी के पास इतना मोटा वायुमंडल है, फिर भी हम इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को साइड में रखकर अगर वैज्ञानिकों की माने तो हैबिटेबल जोन की वजह से इस ग्रह पर जीवन जीने लायक वातावरण हो सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं इस ग्रह के ऊपर एक तकनीक के जरिए पहुंचा जा सकता है। उनका मानना है इस ग्रह तक पहुंचने के लिए मल्टी जनरेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जो अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट में बैठकर उस ग्रह के लिए रवाना होंगे वह तो बीच में ही मर जाएंगे, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट में जो जनरेशन उनसे पैदा होगी उनके भी आगे से आगे की जनरेशन उस ग्रह पर पहुंच जाएगी। वैज्ञानिकों ने एक अंदाजा लगाया है कि 126 जनरेशन के बाद जो जनरेशन पैदा होगी वह इस ग्रह तक पहुंच पाएगी, और वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगाया है, यानी जब तक वह पहुंचेंगे हमारी 126 पीढ़ियां गुजर चुकी होंगी। यानी इस दौरान ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने पृथ्वी को कभी देखा ही नहीं होगा, यानी उन लोगों का जन्म भी अंतरिक्ष में होगा और उनकी मृत्यु भी अंतरिक्ष में हो जाएगी। यहां तक कि वह लोग प्रॉक्सिमा बी ग्रह पर भी कदम नहीं रख पाएंगे, और जो प्रॉक्सिमा बी ग्रह तक पहुंच पाएंगे उनको भी पृथ्वी के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं होगा। यहां तक कि जो तरीके यहां से सीख कर गए थे खेती करना वगैरह सब कुछ वह भूल जाएंगे। शायद उन लोगों को हमारे इस चैनल के बारे में पता ना हो कि पृथ्वी से कितना अच्छा चैनल भी कोई चला रहा है। इस बात से मुझे याद आया, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि वैज्ञानिकों का यह प्लान जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इतने लंबे समय तक कई हजार सालों तक जो भी बच्चे उस अंतरिक्षयान में पैदा होंगे उन्हें बिल्कुल जीरो ग्रेविटी में रहना होगा, और उनकी हड्डियां और मसल्स बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि बिना ग्रेविटी रहना उनके पूरे शरीर को कमजोर कर देगा। दोस्तों, जिस भी स्पेसक्राफ्ट में हम उस ग्रह तक जाएंगे वैसा स्पेसक्राफ्ट होगा जिसके अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी होगी, स्कूल, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, जिम और साइंस लेबोरेटरीज, यहां पर सब कुछ मौजूद होगा। जिस समय अंतरिक्षयान पृथ्वी से रवाना होगा उस समय तो इसमें आबादी बहुत ही कम होगी, मगर जब वे वहां पर पहुंचेगा उस समय इसकी आबादी इससे कई गुना ज्यादा होगी। यहां पर नए बच्चे पैदा भी किए जाएंगे और क्रिएट भी। जी हां, आपने सही सुना, इस स्पेसशिप में बच्चों को क्रिएट भी किया जाएगा, यानी बनाया जाएगा। लेकिन जब 7-8 हजार साल बाद हम उस ग्रह पर उतरेंगे तो हमारे लिए वह ग्रह बिल्कुल नया होगा। सबसे पहले हमें जो सबसे बड़ा अंतर दिखाई देगा वह होगा वहां पर सूरज की रोशनी का, क्योंकि प्रॉक्सिमा बी ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तुलना में सूरज की लाइट कम पड़ती है, और यह ज्यादातर लाल कलर की लाइट को अपने अंदर से रिलीज करते हैं। प्रॉक्सिमा पर जाने वाली जनरेशन को इन सब चीजों की पहले से ही आदत लग जाए, इसलिए स्पेसशिप की लाइटिंग को भी तारे की लाइटिंग जैसा ही कर दिया जाएगा। इसकी वजह से भविष्य में इंसानों के आई कलर में भी डिफरेंस आएगा। जहां पृथ्वी पर पैदा हुए इंसानों की आंखें नॉर्मल भूरे और डार्क कलर की होती हैं, वहीं प्रॉक्सिमा के इंसानों की आंखें गोल्डन और चमकीले रंग की हुआ करेंगे। इस प्रक्रिया को नेचुरली होने में तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन वैज्ञानिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इसे तुरंत ही इंसानों में डाल देंगे। शुरुआत में हमें वहां पर गुरुत्वाकर्षण में भी डिफरेंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उस ग्रह की हमें वहां पर आदत लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये भी जरूरी नहीं कि वहां पर वातावरण हमारे रहने लायक हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो इतना लंबा सफर करने के बाद भी हमें स्पेस सूट में ही रहना पड़ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो चीज नजर आएगी आसमान में, हमें 3 तारे दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों यह सौरमंडल ट्रिपल स्टार वाला सिस्टम है। इन 3 तारों में सबसे छोटा तारा प्रॉक्सिमा सेंटुरी है, लेकिन हमारे सूरज से यह छोटा होने के बावजूद भी तारा बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला है। इस वजह से भी वैज्ञानिक इस सौरमंडल को मंगल ग्रह के बाद अपनी नजर में बनाए हुए हैं, जो हम इंसानों का फ्यूचर में घर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस ग्रह के साथ एक परेशानी यह भी हो सकती है कि अपने तारे के साथ टाइटली लॉक हो सकता है। इसको अगर आसान भाषा में कहा जाए तो हमारे चंद्रमा की तरह ही अपनी एक साइड को अपने तारे के सामने रखता है और दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में रहती है, जिसकी वजह से हो सकता है इस ग्रह का एक भाग ज्यादा गर्म हो और दूसरा भाग ज्यादा ठंडा। ऐसे में इंसानों का वहां जाकर बसना और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ठंडे वातावरण में भी इंसान सर्वाइव करने के कैपेबल नहीं होंगे, और ज्यादा ठंडे वातावरण में भी इंसान नहीं रह पाएंगे, और ज्यादा गर्म वातावरण में भी इंसान नहीं रह पाएंगे। हालांकि इस ग्रह के
उसी भाग में इंसान रह सकते हैं जहां ज्यादा ठंड पड़े और नहीं ज्यादा गर्मी। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों को अगर देखा जाए तो यह सब इतना आसान नहीं है जितना इस वीडियो में मैंने बताया है, क्योंकि इस ग्रह तक जाने में सबसे बड़ी परेशानी है वह अंतरिक्ष में सफर करके इस ग्रह तक पहुंचना, क्योंकि इतने लंबे सालों के सफर में कहीं ऐसे लोग होंगे जो बीच में ही मर जाएंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष में ऐसे कई सारे खतरे हैं जिनसे बचकर जाना भी बहुत बड़ी चुनौती है, और फिर भी पहुंच भी जाते हैं तो नए वातावरण में उतरकर वहां जिंदा रहना भी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है कि वहां पर कैसा माहौल है और वैसा माहौल जीरो ग्रेविटी में रहे हुए इंसानों के लिए सुटेबल होगा या नहीं, इसके बारे में भी कोई अंदाजा नहीं है। दोस्तों, क्या आप सौरमंडल से बाहर उस ग्रह पर रहना पसंद करोगे, और क्या वैज्ञानिक वहां पर कभी पहुंच पाएंगे? आपका क्या ख्याल है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।